की लड़ाई छलकी गए चक्कर व्यू में घेरे विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे एक बार फिर मुझे बड़े भाई की तरह प्यार देने वाले बड़े भाई इंजीनियर रोशन लाल यादव जी रागनियों के बड़े शौकीन हैं। ऐसी धार्मिक रागनियां उनकी पसंदों में शामिल की जाती हैं। जी हाँ, पाथरड़ी पावटा जिला जयपुर से बड़ी दूर से यहाँ पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। 500 रुपये मैडम प्रीति शर्मा को और भाई 100-100 रुपये से इन संगीतकारों का सम्मान करते हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बढ़ती है, जोरदार ताली। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ उसे कहूंगा रोहतास भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अपनी टीम की तरफ से भाई के लिए जोरदार ताली। आइए अगली कली में किस तरह से क्या बताया। पहली बात के माध्यम से सजनों, वो उत्तराकुमारी रोने लगती है कि माँ आज तेरे बेटे को साथ साथ महारथियों ने उस चक्रव्यूह की लड़ाई में अकेला और निहत्ता देखकर मार दिया। माँ एक नई कहानी रच गई है तेरी, किस तरह से कि माँ मैं सारी उम्र अब बिना पति के किस तरह से काटूंगी। रो रो कर अपनी सासू माँ से किस तरह से कहने लगी वो उत्तरा कुमारी, क्या बता दिया, क्या बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई रोशन लाल यादव जी के साथ आए आदरणीय राजा राम जी नारनौल से। जी हाँ, मेरे पिता तुल्य आदरणीय राजा राम जी नारनौल से 100 रुपए से
महाभारत के सभी मन्यों के प्रसंग श्री रागने का सम्मान करते हैं आदरणीय ताऊ जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली अगली कली में किस तरह से प्रीति शर्मा जी ने क्या बताया। सजनों कहने लग जाती है कि माँ मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छुटी, हाथ का कंगना भी नहीं खुलाए, मैं सारी उम्र नू बिना पति के कैसे काटूंगी माँ, क्योंकि विधवा की भी कोई जिंदगी नहीं होती। कहते हैं सजनों की बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं। क्या बात, बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और जब बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, दुश्मन हजार होते हैं। कहने लग जाती है कि माँ आज मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सजनों बताया जाता है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। क्या बात, बात अच्छी लगे तो सिर्फ और सिर्फ तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। हाँ। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और घर में हो लहास तो फिर बारात बुरी लगती है, और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता सजनों, झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता सजनों, अगर दिल में हो दर्द तो फिर हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। क्या कहने लग जाती है, वक्त की मार का पता नहीं होता माँ, क्योंकि किसी ने लिखा है सजनों कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। क्या बात, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और जख्म छोटा सा हो नासूर बना देता है, और गुनाह जानकर कोई नहीं करता प्रेमी सजनों, गुनाह करने पर भी इंसान को भगवान मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। तीसरी बात में क्या समझाने लगी, ये कहने लगी बहुत बढ़िया प्रीति शर्मा जी, लुट गिरी ममता तेरी, लुट गिरी ममता
मानोगे प्रेमी साथियों, बड़े भाई पवन जून जी, जी हाँ बड़े भाई पवन जून जी जो सोनोटेक कैसेट कंपनी दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं, जो एक हफ्ते के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को शूट करके YouTube पे धाकोड़ा मात्रा कंपटीशन के नाम से डालने का काम करेंगे। भाई पवन जून जी 500 रुपए से अभिमन्यु के प्रसंग की श्राकने का सम्मान करते हैं। और भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए अगली कले में किस तरह से क्या बताया। कहने लग जाती है कि माँ आज कैरों ने एक चक्कर भी लड़ाया है, जिसमें आज तेरे बेटे को बुलाकर और निहत्ता देकर धोखे से मारा है। माँ तेरे बेटे के साथ सरासर धोखा हुआ है। लास्ट बात में कैसे समझाने लगी, क्या कहने लगी अपनी सासू से, क्या बताने लगी, आइए बताया क्या।